हेलो ऑल, दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और अगर आप मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। और एक बार चेक कर लीजिए कि क्या आपने बेल नोटिफिकेशन को प्रेस किया हुआ है या नहीं। यदि नहीं किया हुआ है तो प्लीज कीजिए, ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले बिना चूके। और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो आज की टैरो रीडिंग होने वाली है ट्विन फ्लेम एनर्जी, चेकिंग यू वर्सेस देम। आपके ट्विन फ्लेम और आपके बीच में किस तरह की एनर्जीज रन कर रही देखेंगे। पहले आपकी एनर्जीज, पहला मेरा क्वेश्चन है टैरो से, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी यू आर प्रोजेक्टिंग टुवर्ड्स दिस पर्सन। प्रीस्ट, वाओ। तो आप अपने व्यक्ति की तरफ किस तरह की एनर्जीज प्रोजेक्ट कर रहे हैं। प्रीस्ट, आप उनकी तरफ बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज, मुझे लगता है कि वो आपको एक प्रीस्ट की तरह देखते हैं, क्योंकि आपके अंदर से प्रीस्ट की तरह की एनर्जीज निकल रही है। बहुत ही स्पिरिचुअल एनलाइटेंड पर्सन की तरह वो आपको देखते हैं, और ऐसी ही एनर्जीज आप उनकी तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ लिखा है फैसिलिटेट स्पिरिचुअल कमिटमेंट, सर्व एज अ चैनल ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। व्हाट टू से, वो आपको एक स्पिरिचुअल पर्सन की तरह देखते हैं। मे बी आप कोई हीलर हो सकते हैं, आप मैसेजेस चैनलिंग कर रहे हों, आप स्पिरिचुअल कम्युनिटी के साथ कुछ वर्क कर रहे हों, इस तरह की एनर्जीज आप उनकी तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या वो आपको ऐसी लाइट में देखते हैं। दैट्स ब्यूटीफुल। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए सेबोट्योर, हाईलाइट्स योर फियर ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट एंड द चेंज इट वुड ब्रिंग टू योर लाइफ। मुझे ऐसे लगता है कि वो आपकी लाइट साइड वो देख रहे हैं कि आप अपनी वीकनेसेस पर काबू पा रहे हैं। पहले जहाँ पर आप काफ़ी नेगेटिव रहा करते होंगे, वहीं पर अब वो इस बात को देख पा रहे हैं कि आपने अपने फियर इश्यूज़ पर काम किया है, आपने सेल्फ एम्पावरमेंट पर काम किया है, और आप अपने आप को रेज कर रहे हैं, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे हैं, अपने फियर इश्यूज़ पर काम करते हुए लगातार हाइट पर बढ़ते जा रहे हैं, या फिर ऊंचाइयों को छूते जा रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज आप में से निकल रही हैं और वो इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। तीसरा कार्ड आपके लिए शेप शिफ्टर कार्ड है। आई डू थिंक कि उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर पहले से काफ़ी अधिक चेंजेस आए हैं। पहले आप काफ़ी लोअर एनर्जीज में रहा करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे आपकी एनर्जीज, आपकी वाइब्रेशंस रेज होती जा रही हैं। यही नहीं, उन्होंने आपके अंदर बहुत तरह के बदलाव महसूस किए होंगे। हो सकता है उन्होंने आपको ये कहा भी हो कि आप बहुत बदल चुके हैं, आप बहुत अलग हो चुके हैं। तो वे आपको लगातार एक रूप बदलते हुए देख रहे हैं, एनर्जी में आपके बदलाव वो देख रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है स्किल एट नेविगेटिंग थ्रू डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। डेफिनेटली वो आपकी कॉन्शियसनेस लेवल को बढ़ता हुआ महसूस कर पा रहे हैं कि किस तरह से समय के साथ आपका कॉन्शियसनेस, आपका अवेयरनेस, आपकी एनर्जीज रेज होती जा रही हैं। एबिलिटी टू सी द पोटेंशियल इन एवरीथिंग, और किस तरीके से आप बहुत क्लियरली लोगों की एनर्जीज को पहचान पाते हैं, कैसे आप लोगों की एनर्जीज को अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी इंट्यूशन की वजह से कनेक्ट कर पाते हैं, इस तरीके से वो आपको देख रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए Samaritan, Samaritan refines you, your capacity to help those you would prefer to ignore. Okay, तो वो देख रहे हैं कि किस तरीके से आप, मुझे ऐसा भी लगता है कि आप शायद उनको काफ़ी समय से इग्नोर करते रहे होंगे, लेकिन स्टिल वो ये देख रहे हैं कि अब आपके अंदर कुछ इस तरह का एनर्जी चेंज आया है कि वो आप उनकी हेल्प करने को तैयार है। अगर वो हेल्प मांगे आपसे किसी तरह की, तो आप उनकी भी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आप उनको इग्नोर करने की बजाय अब उनकी हेल्प करेंगे, ऐसा उनको लगता है। एक बहुत ही हेल्पफुल, एक बहुत ही फ्रेंडली एनर्जी आप उनकी तरफ वो प्रोजेक्ट करें, जैसा कि आप देख सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि पहले शायद आप काफ़ी डिस्टर्ब रहते हो गए, एंगरफुल आपका बिहेवियर रहता होगा, रिजेंटमेंट आपके अंदर रहती होगी, शिकायत करना आपके अंदर रहता होगा, लेकिन इस समय में आप जिस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बहुत हाई वाइब्रेशनल, हाई कॉन्शियसनेस एनर्जी, और उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने आपसे बातचीत किया, आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, तो आप भी उनकी दिशा में हाथ बढ़ाओगे, आप भी उनको हेल्प करोगे। और जिस तरह से आपने अपने आप को हील किया है, जिस तरह से आपने अपने आप को बैलेंस किया है, आप उनकी भी बैलेंस करने में मदद करोगे। ऐसी एनर्जीज आपके लिए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन, आपके ट्विन फ्लेम, चाहे वो मैस्कुलिन हो या फेमिनिन, वो किस तरह की एनर्जीज को आपको शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, या आप उनसे किस तरह की एनर्जी को महसूस कर पा रहे हैं।
आपके ट्विन फ्लेम किस तरह की एनर्जी शो कर रहे हैं या आपको उनसे किस तरह की एनर्जीज महसूस हो रही हैं। फर्स्ट कार्ड एथलीट, मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन अपने आप को काफ़ी फिजिकली इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वो ऐसे सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट कर रहे हो जहाँ पर वो एक्चुअली जिमिंग कर रहे हैं या फिर वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं या वो अपने आप को फिजिकली फिट बताने की, हेल्दी बताने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके बगैर वो फिट एंड फाइन है। वो फिजिकल अपनी फिजिकल स्टैमिना को बढ़ाने की, अपने अपनी बॉडी को अपनी हेल्थ की दिशा में डेफिनेटली काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा डेफिनेटली लगता है। वो अपनी विल पावर स्ट्रांग है, वो अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम स्ट्रांग पर्सन, मेरा विल पावर स्ट्रांग है, मैं बहुत जल्दी परेशान नहीं होने वाला, मैं चीज़ों से नहीं घबराने वाला, इस तरह का एक स्पोर्ट्समैनशिप या स्पोर्ट्समैनशिप की जो स्पिरिट होती है उस तरह की स्पिरिट को वो यहाँ पर आपके सामने दिखा रहे हैं। फिजिकली मेंटली स्ट्रांग वो हैं ऐसा वो आपको बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। फादर कार्ड आया हमारे पास आपके लिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति से आप कनेक्टेड है शायद उनकी अपनी फैमिली है, उनकी अपनी फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो आपको ये चीज़ दिखाना प्रिफर कर रहे हैं इस समय में कि मेरे पास दूसरी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आई एम ए रिस्पॉन्सिबल फादर फिगर, आई एम ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरा करने में बिजी हूं और मेरी अपनी लिमिट्स हैं, मेरी अपनी फैमिली है जिसको मुझे देखना पड़ता है, सपोर्ट करना पड़ता है और मेरा ज़िंदगी का बहुत सारा जो मेजर पोर्शन है, जो मेरा मेजर प्रायोरिटीज़ है वो मेरी फैमिली है, इस तरह का भी मुझे लगता है कि वो आपको इस तरह की एनर्जी आपके ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा मुझे लगता है। ओके लेट्स चेक मोर। क्वीन, वाओ, और क्या एनर्जी, वो रेडिएट्स द रीगल फेमिनिन, यूजेस हर बेनोवेलेंट अथॉरिटी टू प्रोटेक्ट अदर्स, लेकिन मुझे इसकी शेडो साइड पर पढ़ना पड़ेगा। बिकम एरोगेंट व्हेन अथॉरिटी इज चैलेंज, कंट्रोलिंग एंड डिमांडिंग, मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप उनसे डिमांड करते हो या जिस तरह से आप अपने आप को प्रोजेक्ट करते हो, वो आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आप बहुत एरोगेंट हो, आप अपना कंट्रोल उन पर लगाने की कोशिश करते हो और वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि आप बहुत डिमांडिंग हो और इसलिए उनके पास में आपके लिए उतनी एनर्जी नहीं है, उनके पास आपको देने के लिए उतना अटेंशन नहीं है क्योंकि उनके पास अपना खुद का काम है, उनकी अपनी फैमिली है, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनका अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ मेरा ध्यान है, मेरी फैमिली की तरफ मेरा ध्यान है। और जिस तरह की क्वीन एनर्जी, क्योंकि अभी आपने देखा कि जिस तरह के आपके कार्ड्स आए थे बहुत हाई लाइट में कार्ड आए थे, तो डेफिनेटली वो आपको एक क्वीन एनर्जी में देखते हैं, पर ये भी जानते हैं कि इस क्वीन एनर्जी में आपका जो डिमांड्स हैं, आपके जो आपका जो पावर है उस पावर को इस समय में नहीं ले सकते हैं, नहीं आपको प्रायोरिटी दे सकते हैं, ऐसा वो आपको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और इसीलिए हमारे पास कार्ड आना ही था विक्टिम, आई एम अ विक्टिम, यू आर अ क्वीन बट आई एम busy somewhere in my life, busy somewhere in my responsibilities, I cannot help myself, I cannot help this connection, I am a victim, मैं परिस्थिति का शिकार हूँ, मैं परिस्थिति का गुलाम हूँ और मैं आपके लिए या इस कनेक्शन के लिए इस समय में चाह कर भी प्रेजेंट नहीं रह सकता, आपको प्रायोरिटी नहीं दे सकता, इस तरह की एनर्जी इस समय में वो आपके सामने प्रोजेक्ट कर रहे हों। हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू वो ये सब बताने की कोशिश कर रहे हों या फिर मे बी आपके साथ में बातचीत के दौरान उन्होंने इस तरह की एनर्जीज आपको बताई हों, मुझे ऐसा लगता है। ओके और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे लिए कार्ड है मेंटोर कार्ड, तो डेफिनेटली द यूनिवर्स इज़ लाइक अ मेंटोर, इस समय में आप उनके सबसे बड़े मेंटोर हैं, वो आपके सबसे बड़े मेंटोर है, यूनिवर्स आपको एक दूसरे के द्वारा शिक्षा देने की कोशिश कर रहा है, आप अपनी
विजडम गेन करने को, इस रिलेशनशिप में आप अपनी विजडम गेन करने की कोशिश कर रहे हैं उनके द्वारा दिए जाने वाले लेसन से, वो आपके द्वारा दिए जाने वाले लेसन को लेकर उससे अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। ब्यूटिफुल एनर्जीज। और अब हम देखेंगे कि सोल्स जर्नी, देखते हैं कि जिस तरह की एनर्जी आप उनकी दिशा में प्रोजेक्ट कर रहे हैं या आप जिस तरह की एनर्जी में हैं, आप अपनी सोल जर्नी पर किस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। डिवाइन फेमिनाइन मुझे लगता है जो देखने वाले हैं मोस्टली डिवाइन फेमिनाइन हुआ करती हैं, बट स्टिल आई एम नॉट, ओह वाओ विजडम कार्ड, आप किस दिशा में आगे बढ़ रही डिवाइन फेमिनाइन, आप अपनी विजडम पाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं, आप अपनी सोल कम्युनिटी सोल ट्राइब को ढूंढ रही हैं, मुझे लगता है आप पा लेंगी, आप सिमिलर वाइब्रेशन में जो लोग हैं जो आप ही के जैसा सोचते हैं, आपकी जैसा विचार करते हैं, आप ही के जैसे इमोशनली बैलेंस हैं, ऐसे लोगों को आप पाने की दिशा में आप बढ़ रही हैं। ट्रांसपेरेंसी आप गेन कर रही हैं, जैसे अंदर वैसे ही बाहर, प्योरिटी आप गेन करने की कोशिश कर रही हैं, जिस तरीके से आप इस सोल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी विजडम अपनी प्योरिटी और अपनी कम्युनिटी की कम्युनिटी को पाने की दिशा में आप बढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरा कार्ड, वाओ दिस इज फ्लो कार्ड, दिस इज अ कार्ड ऑफ सरेंडर कार्ड, आपने अपने आप को फ्लो में डाल के रखना सीख लिया है, कंटिन्यूसली अप्स एंड डाउन्स के साथ कैसे बैलेंस में चलना है ये आपने सीख लिया है। चीज़ें जो आपको नहीं पता है उनको पता करने की कोशिश ना की जाए, चीज़ें जो रुकी हुई हैं उनको ज़बरदस्ती धक्का देकर आगे बढ़ाने की कोशिश ना की जाए, चीज़ें जो डार्क में हैं लाइट में नहीं आना चाहती उनके लिए अपना समय बर्बाद ना किया जाए, जो है अवेलेबल है इस वक्त में अपने लिए बेस्ट जो अवेलेबल है उसको पा लेने की कोशिश किया जाए, सरफेस लेवल पर जो चीज़ें हैं उनको सरफेस की बजाय डीप डाउन अंदर जाकर गहराई में जाकर उतर कर देखने की आप इस समय में कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि सरफेस पर चीज़ें बिल्कुल अलग तरीके से नज़र आती हैं और जब आप गहराई में जाते हो तो चीज़ें बिल्कुल अलग तरीके से नज़र आती हैं। ये विजडम आपने गेन कर लिया है कि चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जैसे वो दिखती हैं, आपके मैस्कुलिन हो सकते हैं या कोई भी इंसान, कोई भी रिलेशन जो आपके रिलेशनशिप में बाहर क्या प्रोजेक्ट करते हैं और अंदर वो क्या चीज़ है, अब आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझ पाते हो कि हमेशा जो बाहर से दिखाई देता है वही सच्चाई नहीं होती, जो प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाती है वही सच्चाई नहीं होती, हो सकता है कि ऊपर से कुछ और दिखाने की कोशिश की जा रही हो और अंदर चीज़ें बहुत डिफरेंट हो सकती हैं, और अब आप किसी भी चीज़ की जब तक पूरी गहराई में नहीं जाते तब तक आप किसी तरह का डिसीजन नहीं लेते, तब तक आप डिस्टर्ब नहीं होते, और ऐसा ही विजडम पाने की ऐसा ही दिशा में आप बढ़ेंगे, बढ़ रहे हैं ऐसा मुझे लगता है। और हैप्पीनेस कार्ड, वाओ सी, और जो व्यक्ति इस विजडम को सीख जाता है, जो व्यक्ति इस तरह से कैसे जीने को सीख जाता है, वो ऑब्वियसली उसके वो हैप्पी ही होता है, वो खुश ही होता है, और ऐसे में उसको अपने वाइब्रेशंस के अपने जैसे लोग मिलते हैं जो उसको समझते हैं, जो उसके सोलमेट्स कहलाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और काफ़ी सारी लास्ट रीडिंग्स हमारे पास में ये आ रहा है और बहुत सारे लोग मुझे कभी कभी, बहुत सारे नहीं, बहुत कम मेरे चैनल के ऊपर बहुत कम परसेंटेज ऐसे लोगों का है जो कि मेरी रीडिंग्स के साथ में रेजोनेट नहीं कर पाते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाते। मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ, आई एम सो वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मेरी रीडिंग्स के साथ में कनेक्टेड जो लोग हैं 99.9999% लोग इसी एनर्जी में है, एक कंसिस्टेंसी के साथ में आप लोगों का डेवलपमेंट चल रहा है। हाँ, बीच में कभी कभी ऐसा होता है कि देखो आटे में नमक के जितना तो टॉलरेट किया ही जा सकता है, लेकिन हाँ वो लोग जो ये कहते हैं कि आप कहते हो ट्विन कनेक्शन तो इसको छोड़ के लेट गो कर दो, मूव कर दो, सोलमेट के साथ चल जाओ, ऐसा थोड़ी होता है, सच्चा प्यार ऐसा, सच्चा प्यार वैसा। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि ये वही लोग हैं जिनकी अभी तक कंप्लीट हीलिंग नहीं हुई है। हील होने के बाद हम बात करेंगे कि आपके विचार और मेरे विचार कितने मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। ओके, तो आप अगर इस ट्विन कनेक्शन में हैं और ये ट्विन कनेक्शन में जिस तरह की एनर्जीज आपका ट्विन आपको प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह की विक्टिम मेंटेलिटी में आपका ट्विन इस समय में है, बेहतर है कि आप समझ रहे हैं कि सरफेस पर कुछ और दिख रहा है, अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है, और ऐसे में आप अपने फ्लो की दिशा में बढ़ रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस को पाने की दिशा में बढ़ रहे हैं, और ऐसे में आपको यूनिवर्स की तरफ से एज ए गिफ्ट
सोलमेट्स प्रोवाइड किए ही जाते हैं। आप इस जिंदगी में आए हो, इस ट्विन कनेक्शन में आए हो, सफर होने के लिए नहीं आए हो। यूनिवर्स आपको दुख देने के लिए ये कनेक्शन नहीं देता, आपको आपके फ्लो में आने के लिए, आपको आपका विजडम पाने के लिए और आपको आपकी वाइब्रेशन के जैसे लोगों से मिलाने के लिए ट्विन कनेक्शन दिया जाता है। ट्विन कनेक्शन कोई इस तरह का रिलेशन नहीं है कि उसके बिना आप अधूरे हो जाओगे या उसके बिना आपका कंप्लीशन कैसे होगा, उसके बिना खुश कैसे रह पाओगे। ये कोडिपेंडेंट रिलेशन उन्हीं लोगों को लगता है जो अभी तक पूरे हील नहीं हुए हैं। ट्विन कनेक्शन का जो खास आधार वो है, ये है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाए, आप जागृत हो जाएं, आप अवेयरनेस में आ जाएं, आप जिंदगी को आंख खोल कर देखने समझने लग जाएं और इतनी हाई वाइब्रेशन में आ जाएं कि वो सारी खुशियां जो एक नॉर्मल इंसान डिजर्व करता है, वो सभी खुशियां आपको दे सके और मिल सके और यूनिवर्स आपको वो सारी खुशियां देना चाहता है। आप अपने आप को डुबो के रखना चाहते हैं, आप अपने आप को घेरे कुएं में अंधेरे में ढकेल के रखना चाहते हैं, आप ऊंचाई पर खुशी के साथ छलांग नहीं लगाना चाहते हैं, तो ये चॉइस आपकी है। और अंधेरा हमको तब तक ही नजर आता है जब हम गहराई में जाकर चीजों को नहीं समझ लेते। जब आप एक बार स्टक मेंटेलिटी से जब बाहर निकलकर अपने डीप डाउन इनर, आप देख रहे हैं जैसे ये सोल कैसे अंदर जा रही है, जब आप स्टक तभी तक हैं, आपके अंदर अंधेरा तभी तक है जब तक कि आपने अपने अंदर जाकर विजडम गेन नहीं किया। जो व्यक्ति अंदर जाकर विजडम गेन करके आएगा वो कभी अंधेरे में स्टक नहीं रहेगा, वो डॉल्फिन की तरह हैप्पी छलांगे लगाएगा और आगे बढ़ेगा। ओके, तो इस तरह की ही एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन मोस्टली या मे बी कुछ डिवाइन मैस्कुलिन भी हो सकते हैं, आप लोगों को यूनिवर्स की तरफ से कहा जा रहा है इस सोल जर्नी पर आप कैसे आगे बढ़ने वाले हो। हाँ, आप अंधेरे में हो, इस ट्विन जर्नी ने आपको एक बहुत डार्क नाइट ऑफ द सोल जैसी एनर्जी से आपको गुजारा है, और मैं इसको डार्क नाइट ऑफ द सोल भी नहीं कहूँगी, डार्क नाइट ऑफ द ईगो से आपको गुजारा है। और इस डार्क नाइट ऑफ द ईगो में आपने डीप डाइव किया, आपने अपने इनर विजडम में डुबकी लगाई, आपने फ्लो गेन किया और अब आप हैप्पीनेस की छलांग लगाने के लिए इस जर्नी पर तैयार है। और इस जर्नी पर जब आप जाएंगे, आपका ट्विन जिस तरह से आपको छोड़ कर चला गया, वैसे लोग आपको नहीं मिलेंगे। जब आप हील होंगे तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपकी कदम से कदम ताल मिलाकर चलने के लिए तैयार होंगे, आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार होंगे। ओके, और नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए सक्सेस का कार्ड है। यही ट्विन फ्लेम कनेक्शन की सक्सेस है कि आप ऐसे फ्लो में आ सकें, आप ऐसी हैप्पीनेस को गेन कर सकें, आप ऐसी अबंडेंस पा सकें, आप ऐसा वो सब कुछ पा सकें जो कि पाने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। अगर आप वो पा लेते हैं तो वही ट्विन फ्लेम जर्नी का सक्सेस है। अगर आप बैठकर डार्कनेस में रोते रहते हैं कि मेरा ट्विन बाहर नहीं निकल सकता तो मैं किसी और के साथ कैसे खुश हो सकती हूँ, आपको ये अंधेरे मुबारक हों। लेकिन जो डिवाइन फेमिनाइंस समझती हैं ट्विन जर्नी के एसेंस को समझती हैं, वो कभी भी अपने आप को इस तरीके से इस लाइफ में बर्बाद नहीं करती हैं। ओके, अब हम बात करेंगे आपके ट्विन की जो इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, विक्टिम मेंटेलिटी में अभी भी फंसे हुए हैं। देखते हैं कि उनका इस सोल जर्नी पर अभी, देखिए पहला काम है, पहला कार्ड आपके लिए वॉयज कार्ड है। उनकी यात्रा जारी रहेगी, आपको डेस्टिनेशन मिल जाएगा, आपको सक्सेस का डेस्टिनेशन मिल रहा है, आपको हैप्पीनेस का डेस्टिनेशन मिलेगा, लेकिन उनकी यात्रा लंबे समय तक जारी रहेगी। और मैं आपको इस कार्ड का वाओ, आप देखिए एक बड़ी मछली है और उसने सब तरफ से एक छोटी मछली को लाइक फंसा रखा है, ट्रैप में फंसा रखा है, देख रहे हैं आप। और अभी हमने दो मछलियां यहाँ पर देखी थी जो कि फ्रीली यानी साथ साथ होते हुए भी बिल्कुल छलांग लगा रही थी। माय गुडनेस, व्हाट एन इंटरप्रिटेशन ऑफ एनर्जी। सी यहाँ पर दो डॉल्फिन्स है जो इंटरडिपेंडेंट रिलेशन में साथ साथ होते हुए भी पैरेलल चल रही है, एक दूसरे को फंसा नहीं रखा, एक दूसरे को बांध नहीं रखा है, लेकिन साथ चलना साथ रहना उनकी चॉइस है। और यहाँ पर दूसरी तरफ आप देख रहे हैं आपके ट्विन एनर्जी में यहाँ पर भी दो फिशेज हैं, एक बहुत बड़ी फिश, एक बहुत छोटी फिश। इस फिश के साथ ये फिश पूरी तरीके से बंधी हुई है और इससे ये निकल नहीं सकती। आपके ट्विन फ्लेम अभी भी, क्योंकि उन्होंने अपने कार्मिक्स के साथ रहना चुना है, तो वो उन कार्मिक्स के साथ बहुत लंबे समय तक इसी तरह। और आप देखें इस कार्ड की एनर्जी, यहाँ डार्क एनर्जीज दिख रही हैं, यहाँ पर लाइट एनर्जी दिख रही है। ओके, यहाँ पर सन शाइन कर रहा है और यहाँ पर मून शाइन कर रहा है। उनकी लाइफ की डार्क नाइट ऑफ द ईगो अभी लंबी चलने वाली है, वो अपने कार्मिक्स के साथ ज़्यादा लंबे समय तक अभी
फंसा हुआ फील करने वाले हैं, जो उन्होंने चॉइस ली है उसके रेपरकेशंस उनको मिलेंगे, जिन डिवाइन फेमिनाइंस ने हेल्दी चॉइसेस ली हैं उनको उनके रेपरकेशंस मिलेंगे। और इसीलिए आपको कहा गया था कि आप इस एनर्जी से बाहर निकल जाए। मैं काफ़ी एक साल से बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस को ईश्वर की दया से इस एनर्जी में खींच के लाई हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ईश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि आप लोगों को इस फंसी हुई एनर्जी से इस एनर्जी तक मैं किसी तरीके से ला पाई हूँ। कहीं 5% 10% अगर इसमें मेरा योगदान है तो आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं ऐसा कर पाई। और जो लोग अभी भी इसको रेजिस्ट कर रहे हैं, आप देख लीजिए एनर्जी का चेंज। आप क्या इस कार्ड की एनर्जी में रहना चाहते हैं या आप इस एनर्जी में आप आना चाहते हैं? ओके, तो आपके ट्विन की डार्क नाइट ऑफ द ईगो अभी खत्म नहीं होने वाली, उनके कार्मिक कनेक्शंस अभी लंबे चलने वाले हैं, उनका नार्सिसिज्म, जो भी नार्सिसिस्टिक लोग उनके साथ जुड़े हैं, कंट्रोलिंग लोग उनके साथ जुड़े हैं, उनको इसी तरह विक्टिम बन के अभी लंबे समय तक इस एनर्जीज में रहना है। कुछ लोगों ने भी मुझे कुछ दिनों में कहा हमारे ट्विन की शादी हो गई है, आप देख लीजिए उनकी शादी यही ऐसी ही होने वाली है, इसलिए उनको कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए और अपनी जर्नी पर अच्छे से आगे बढ़िए। ओके, और उसके बाद में आपके लिए, आपके ट्विन के लिए कार्ड आया है डिलीजेंस कार्ड। उनको अगर इस नेगेटिविटी में से बाहर निकलना, ऊंचा उठना, उनको ऊंचा उठने के लिए भी बहुत ऊंची छलांग लगाने की जरूरत पड़ेगी, उनको बहुत डिलीजेंटली बहुत तरीके से। और इसके बाद नेक्स्ट कार्ड है एक्शन कार्ड, एक साथ ही गिर गए थे ये सारे कार्ड्स। उनको अभी बहुत डिलीजेंट एक्शन समझते हैं आप, बहुत भरसक प्रयत्न उनको करने होंगे, तब इस कार्मिक लाइट में से अब वो वहाँ से बाहर निकल पाएंगे। और देखते हैं एक लास्ट कार्ड उनके लिए, और देखते हैं न्यू बिगिनिंग्स। ओके, ठीक है, तो बहुत लंबे समय के बाद मे बी आफ्टर फॉर सम ट्विंस इट मे बी सम मंथ्स, फॉर सम ट्विंस इट मे बी सम ईयर्स, एंड फॉर सम ट्विंस इट मे बी सम लाइफ टाइम्स। इस नेगेटिव कार्मिक साइकिल में से डिलीजेंट एक्शन करने के बाद ही कोई न्यू बिगिनिंग होगी, कोई नया सवेरा निकलेगा कि आपके ट्विन इस नेगेटिव कार्मिक साइकिल में से बाहर निकलें, इतना भरसक प्रयत्न करें, अपने आप को चंगुल से छुड़वाएं, एक्शन लें और फिर नई बिगिनिंग के लिए वे तैयार हों। और उसके लिए बॉटम ऑफ द डेक पर कार्ड आया टेकिंग रिस्क। यूनिवर्स आप दोनों को कह रहा है कि अपने कर्मा रिजॉल्व करने के लिए, अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ता है। देखिए कि आप रिस्क लेने को तैयार हैं तो आप इस एनर्जी में पहुंच जाएंगे, और अगर आप रिस्क लेने को नहीं तैयार हैं तो आपके लिए वहां डार्क एनर्जीज भी तैयार हैं। देखिए डार्क और लाइट की लड़ाई है इस प्लेनेट पर, जो कुछ भी घट रहा है वो डार्क और लाइट की लड़ाई है। ये आपकी चॉइस है कि आप डार्क एनर्जीज का साथ देने का चुनते हैं या आप लाइट एनर्जीज का साथ देने को चुनते हैं। आप ईश्वर के टीम में शामिल हो रहे हैं या आप शैतान के टीम में शामिल हो रहे हैं? अगर आप नेगेटिव रहते हैं, दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं, सैड रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, विक्टिम अपने आप को बताते रहते हैं और मैं बैठकर रोऊंगी, मैं बैठकर इंतज़ार करूंगी, तो मान के चलिए कि आप नेगेटिव फोर्सेस की टीम में शामिल हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है, मैं खुश रहूंगी क्योंकि मुझे ईश्वर ने यहाँ खुश रहने के लिए और अच्छे ज़िंदगी बिताने के लिए भेजा है, तो आप लाइट फोर्स की टीम का हिस्सा है, तो आप ईश्वर की सेना में शामिल हो रहे हैं। आप खुद चुन लीजिए कि आप किसकी सेना में शामिल हैं। आप ईश्वर की सेना में शामिल हैं तो आप रिस्क लीजिए और अपने आप को इस नेगेटिविटी में से बाहर निकाल लीजिए। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप डार्क एनर्जीज की सेनाओं के साथ शामिल रहेंगे और डार्क नाइट ऑफ द सोल्स को लंबे समय तक अभी और एक्सपीरियंस करते रहेंगे। ओके, और अब हम बात करते हैं क्या, अब हम बात करेंगे आपके लिए फ्यूचर की बात करते हैं। ओके, और मेरे पास यहाँ पर ट्विन डेक है आज, तो क्या बात है, ये ट्विन डेक है मेरे पास, ये एक डेक है और एक ये हमारा दूसरा डेक है, ट्विन डेक है मेरे पास में, तो एक डार्क डेक है और एक लाइट डेक है। डार्क डेक में से आपके ट्विन की एनर्जीज निकालेंगे, फ्यूचर में क्या क्या रहने वाला आपके ट्विन की एनर्जीज का, फ्यूचर में आपके ट्विन के साथ में किस तरह की एनर्जीज। एंड वी हैव, दिस इज थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स इज अ कार्ड ऑफ
दो तीन चीजें हैं, टीम वर्क का भी कार्ड है, हार्ड वर्क का भी कार्ड है, और ये थर्ड पार्टीज का भी कार्ड है। आपके ट्विन अभी भी अपने कार्मिक रिलेशन में से, अपनी मेहनत कश जिंदगी में से, मैं तो बना ही मेहनत के लिए हूँ, मैं तो बना ही विक्टिम बनने के लिए हूँ, और ये रहा मेहनत कश होने का कार्ड, ये रहा। ओके, आपके ट्विन फ्लेम फ्यूचर में इसी तरीके से बस 3D मैट्रिक्स में काम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, और अपने कार्मिक्स के साथ लंबे समय तक, आई थिंक अगले आने वाले 3 सालों तक उलझे रहने वाले, कम से कम अगले आने वाले 3 सालों तक उलझे रहने वाले। 8 of Pentacles, बहुत हार्ड वर्क करना है, बहुत प्रयास करना है, डिलीजेंट वर्क, अगेन वही कार्ड। फ्यूचर में भी उनको यही कहा जा रहा है कि अगर इस मुझे ये लेबर कितने का कार्ड नज़र आता है, लेबर करने वाला कार्ड नज़र आता है, तो इस लेबर में से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उनको इनर वर्क करना होगा। लेकिन अगेन वर्क एंड वर्क, अगर वो 3D मैट्रिक्स में अपने आप को कहीं साबित करना चाहेंगे तो भी बहुत मेहनत करनी है, और अगर उनको किसी स्पिरिचुअल लेवल पर एनलाइटन होना तो भी आपके ट्विन को अभी बहुत 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 प्रयास, बहुत ढेर सारी मेहनत उनको अभी करने को बाकी है। एंड वी हैव 4 of Swords कार्ड, पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, पोस्टपोनमेंट। अभी बहुत मुश्किल है कि वो पोस्टपोन किए जाएंगे, और इसी तरह से मैट्रिक्स एनर्जी में वो फंसे रहने वाले हैं। 9 of Swords कार्ड, और इसी तरीके से रातों को जाग जाकर परेशान होकर अपनी कई सारी जिंदगी की कई सारी रातें वो इसी तरीके से फ्यूचर में गुजारने वाले हैं। डियर डिवाइन फेमिनाइंस, इसीलिए आपको बार बार यूनिवर्स वॉर्न करता है, मूव ऑन। ओके, चलिए आगे देखते हैं आपका फ्यूचर में आपकी क्या एनर्जी से रहने वाली है। डिवाइन फेमिनाइंस जो इस तरीके से अपने आप को कैरी कर रही हैं पॉजिटिवली, वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगी इस जर्नी में, या अपनी लाइफ जर्नी में, या अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो एक स्पिरिचुअल हाईलाइट, स्पिरिचुअल एनलाइटन, और करियर या पर्सनल लाइफ कहीं भी कह लें, किंग ऑफ वॉन्ड्स इज अ सक्सेसफुल एनर्जी। ओके, आई थिंक ये किंग ऑफ वॉन्ड्स ही है, यस इट इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप एक राजा की तरह, एक बादशाह की तरह अपने करियर में, अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर आप आगे बढ़ने वाले हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इक्वल गिव एंड टेक, अगेन सोलमेट कार्ड है ये। आपको आपकी बराबरी का, आपको डिजर्विंग कैंडिडेट्स, डिजर्विंग करियर अपॉर्चुनिटीज, डिजर्विंग लाइफ अपॉर्चुनिटीज आगे बढ़ने पर मिलने वाली हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, आप अपनी क्लैरिटी, अपने माइंड की क्लैरिटी को इसी तरह से बनाए रखने वाले हैं, आप इसी तरह से फोकस्ड रहने वाले हैं आने वाली जर्नी में, आप इसी तरीके से आप फोकस्ड रहने वाले हैं। एंड व्हाट मोर, एंड 2 of Pentacles, ओके। हालांकि मुझे ऐसे लगता है कि आपके साथ, क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं होती, वो डेफिनेटली अप एंड डाउन उसमें आते हैं। अगेन यहाँ पर भी वही कार्ड है, इम्बैलेंस समय समय पर, डिवाइन फेमिनाइंस इम्बैलेंस तो आपको भी होगा, लेकिन किंग ऑफ कप्स, लेकिन आप अपने इमोशंस पर काबू पाना सीख चुके होंगे, आप यू विल बी द इमोशनल मास्टर। ये अप एंड डाउन ये एनर्जी में जा जाके बार बार इसी तरीके से अपने आप को, फिर बार आप नीचे जाते, फिर आप ट्रैक पर आते, फिर आप नीचे जाते हैं यानी इम्बैलेंस होते, फिर आप क्लैरिटी पाते, फिर आप ट्रैक पर आते हैं, फिर आप आगे बढ़ते हैं, और फिर आप अपने आप को एक किंग की तरह खड़ा करते हैं। इस तरह करते हुए यू विल बी अ किंग ऑफ कप्स, यानी कि आप इमोशनल मास्टरी पर पहुंच जाएंगे। यही होती है एक्चुअली यही होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, जब आप इसको ठीक तरीके से जीना सीख जाते हैं। वाओ, अब हम देखेंगे एंजल्स की आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ट्विन फ्लेम्स कॉमन गाइडेंस फॉर बोथ द ट्विन्स, कॉम्प्रोमाइज, मास्टर टीचर। ओके, याद रखिए कि इस ट्विन जर्नी पर आपके ट्विन आपके कॉम्पिटिटर नहीं है, आपके ट्विन आपके दुश्मन नहीं है। इस बात को याद रखिए कि उनकी तरफ हमेशा एक दोस्ताना, एक फ्रेंडली जेस्चर रखिए, क्योंकि जितना ही ज़्यादा आप पॉजिटिव एटीट्यूड में रहेंगे, अपनी तरफ से कंपैशनेट रहेंगे, और उतना ही अधिक
आपको अपने दिशा में आगे बढ़ने में फायदा मिलेगा। कॉम्प्रोमाइज कभी आपका ट्विन आपकी तरफ हेल्पिंग हैंड बढ़ाए, जैसा कि थोड़ी देर पहले आया भी था कि वो आपको एक टीचर की तरह देखते हैं, ऐसा कोई कार्ड आया था। तो यदि वो आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो उनकी तरफ एक फ्रेंडली जेस्चर के साथ हाथ बढ़ाइए। ये दुश्मनी का रिश्ता नहीं है, ये प्यार के साथ एक दूसरे को सपोर्ट के साथ आगे बढ़ने का रिश्ता है। हाँ, लेकिन हमको किसी और व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं है कि आपको अगर वो दलदल में फंसे रहना मंजूर कर रहे हैं तो आप इस तरह से कोडिपेंडेंट हो जाएं कि आप उनके साथ फंस जाएं, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर वो आगे बाहर निकलने के लिए आपका हाथ मांगते हैं, आपका हेल्प मांगते हैं, तो डेफिनेटली उनको अपना मदद का हाथ आप दीजिए, ऐसा आपको यूनिवर्स की तरफ से कहा जाए। बिजनेस कार्ड भी है, बट माइंड योर ओन बिजनेस। जब तक वो आपसे ना कहें, जब तक वो आपकी तरफ हाथ ना मांगे, जब तक वो आपसे हेल्प का हाथ ना मांगे, तब तक माइंड योर ओन बिजनेस। अपना काम करें, अपने करियर पर फोकस करें, अपने फाइनेंशियल एडवांसमेंट की दिशा में आप काम करें, ऐसा आपके लिए कहा जा रहा है। रेस्ट, और इसके साथ ही एंजल्स आपके साथ हैं, होली स्पिरिट आपके साथ है। यहाँ पर एक बुक पढ़ता हुआ आप देख रहे हैं, तो अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ाते रहें, अपने आप को रेस्ट एंड रिजुविनेट करते रहें, अपनी वाइब्रेशंस को कंट्रोल में रखें, काम कूल रखें, ऐसा आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। एंड सेल्फ एस्टीम, याद रखिए ट्विन फ्लेम जर्नी होती है सेल्फ लव जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी होती है सेल्फ एस्टीम जर्नी। इस पूरी जर्नी में आर्क एंजल्स आपके साथ होते हैं, खासतौर पर आर्क एंजल माइकल, आर्क एंजल रफायल, आपके गार्डियन एंजल्स आपके साथ हैं। अपनी सेल्फ एस्टीम को प्रायोरिटी देते हुए अपना रेस्ट और रिजुविनेशन यानी अपना मेडिटेशन पूरा करते हुए अपने करियर पर ध्यान देते हुए, इस बीच में यदि आपके ट्विन आते हैं आपसे हेल्प मांगते हैं तो उनको लविंग केयरिंग तरीके से आप अपना हाथ दे सकते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक पर वी हैव पर्पस कार्ड फॉर यू मास्टर टीचर। आप इस ट्विन जर्नी पर एक पर्पस से आए हैं, आप अपने इस लाइफ टाइम में आप कुछ मेजर पर्पस लेकर आए हैं, सीधे सीधे बिना अपना फोकस हटाए स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने पर्पस की दिशा में आप बढ़ते रहिए। बाकी किसी चीज़ की परवाह करने की, किसी चीज़ की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है आज के लिए ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक इन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही।